सॉरी सॉरी, लेट हो गई। तो आज के मेन्यू में है बेसन का कढ़ी और चावल। ये हमारे लंच में भी है और डिनर में भी है। बेसन का कढ़ी है पर हमारे पास दही नहीं है। और मैंने बहुत पहले ज़िक्र किया था कि बहुत कम सामान में बहुत अच्छा ये सूप, कढ़ी, एक्चुअली 2-in-1 या ऑल इन वन कह लो, वो तैयार हो जाता है। हमने इसमें सरसों तेल डाला है और अब इसमें हम डालेंगे फोरन। यह तेजपत्ता, जीरा, राई और सूखा लाल मिर्च, इसको हम तेल में पहले डाल देंगे। आहा, आज हमारा तेल मस्त गर्म है। इसमें डालेंगे थोड़ा हींग। फोरन के बाद ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, थोड़ा फ्रेश चिली है, लेमन। तेल गरम होना तो समझो खाना 20 मिनट में रेडी है। पहले प्याज डालेंगे। एक्चुअली नॉर्मल जैसे पकाते हैं ना, पहले प्याज ब्राउन करते हैं फिर टमाटर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे टमाटर ख़राब हो जाता, आज लास्ट डे था इसका। तो इस बीच हम तैयार करेंगे पहले तो अपना आँच। आग बुझ गया, उपला डालूं? यार एक यही जगह है जहाँ पे मैं एकदम बिल्ली बन जाती हूँ डर कर, क्योंकि मेरे को आँच जलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल जा, जला दो प्लीज। ये मेरे फूंक से नहीं जला है, ये मैं एक्टिंग कर रही थी। मैं बाज नहीं आऊंगी क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। ये बंधु ने जलाया है, पर कल तक या परसों तक, 2 दिन के अंदर मुझे ये सीखना है। सिर्फ एक यही है जो मुझे अब तक नहीं आया है। प्याज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अदरक, थोड़ा लहसुन। इधर जब तक मसाला भुनेगा हम तैयार करेंगे अपना बेसन। 3-4 चम्मच फिर इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लहसुन, हल्दी, जीरा और धनिया, पानी मिक्स करेंगे और इसकी गांठ निकाल देंगे। मसाला भुन चुका है और इधर घोल रेडी है बेसन का। अब इसको मसाले में ऐड करेंगे। अब इसको हम चलाएंगे। जो लहसुन थोड़ा बचा कर रखा था वो अभी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे नमक। बहुत ध्यान देकर डालेंगे, ये मैं खुद को बोल रही हूँ, हमेशा गड़बड़ करती हूँ नमक में। को उबलने के लिए छोड़ देंगे। तू डाल डाल मैं पात पात। जला लिया। यार पानी थोड़ा और पड़ेगा, ये गाढ़ा हो गया। खूब सारा पानी डालेंगे क्योंकि बेसन है तो वो गाढ़ा हो जाता है। इसमें उबाल आ चुका है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कढ़ी को चलाते रहेंगे। ऑब्वियसली सबको पता है कि कढ़ी को चलाते रहेंगे। मैं एक्चुअली थोड़ी प्रोफेशनल साउंड करना चाह रही थी इसलिए तो बता रही थी, खामा खा की बात। वैसे एक काम की चीज़ बताती हूँ, ठीक है? बिना दही के कढ़ी, इसके पहले मैं सोचती थी बन ही नहीं सकता है, लेकिन अब समझ में आया है कि अगर दही नहीं है तो नींबू, इमली और टमाटर की यूज़ के साथ कढ़ी बन सकता है। बस उसको डालने का टाइमिंग अलग होता है। कढ़ी बेसन में दही घोल कर पड़ता है, अगर दही नहीं है तो सबसे लास्ट में नींबू ऐड करते हैं, खट्टापन आ जाता है, बस हो गया।
ये ट्राई ज़रूर करना आप लोग। एक्चुअली ये सूप का भी काम करता है और कढ़ी का भी। तो हमारा कढ़ी रेडी है और हम इसे आँच से नीचे उतारेंगे। आँच को बेस नहीं करेंगे, इस पर पीने का पानी चढ़ा देंगे। छट्टी ऐड करेंगे, खट्टे के लिए नींबू, हो फाइनली रेडी। हम इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं। आज भी अच्छा बना है, बिना दही की कढ़ी कोई कमी नहीं लग रहा। तो इसको हम खाएंगे चावल के साथ। तो आज का मेन्यू है कढ़ी चावल सैलेड।